प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए एक अच्छी खबर आई है। पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त बुधवार यानी 15 नवंबर 2023 को जारी हो सकती है। 8 करोड़ से अधिक किसानों को इसका फायदा मिलेगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन किसानों को इसका फायदा मिलेगा, आप कैसे पता करेंगे कि लाभार्थी सूची में आपका नाम है या नहीं, और अगर नाम है तो आपके खाते में पैसे आए हैं कि नहीं, ये कैसे चेक करेंगे, और अगर 15वीं किस्त को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या फिर पीएम किसान योजना से जुड़ी ज्यादा जानकारी चाहिए तो आपको क्या करना होगा, चलिए इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूँ अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन होगी। अगर किसी किसान के पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन होती है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा किसान परिवार का कोई सदस्य टैक्स जमा करते हैं तो उसे इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। जिनके पास कृषि योग्य जमीन नहीं है उन्हें इस स्कीम से बाहर रखा गया है। अगर कृषि योग्य जमीन है लेकिन वो दादा पिता के नाम से है या परिवार के दूसरे सदस्य के नाम से है तो स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। अगर कोई कृषि मालिक सरकारी नौकरी में है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, CA भी इस योजना से बाहर है। किसी किसान को सालाना 10,000 रुपए पेंशन मिलती है तो वो भी इस स्कीम से बाहर है। लाभार्थी की सूची में आपका नाम है या नहीं, ये कैसे पता करेंगे? सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। अब होम पेज पर फार्मर्स कॉर्नर्स के सेक्शन में जाएं। इसके बाद बेनिफिशियरी लिस्ट पर क्लिक करें। फिर किसान अपने राज्य, जिला, तहसील, ब्लॉक और गांव का नाम दर्ज करें। इसके बाद गेट रिपोर्ट पर क्लिक करें। फिर लिस्ट में आपका नाम चेक करें। आपके अकाउंट में पैसे पहुंचे हैं या नहीं, ये कैसे पता करेंगे, इसका तरीका क्या है, आपको ये भी बता देते हैं। सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट जो हमने पहले बताई थी pmkisan.gov.in पर जाएं। यहां आपको राइट साइड पर फार्मर्स कॉर्नर का विकल्प मिलेगा। यहां बेनिफिशियरी स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करें, नया पेज खुल जाएगा। नए पेज पर आधार नंबर, बैंक खाता संख्या या मोबाइल नंबर में से कोई एक विकल्प चुनें। इन 3 नंबरों के जरिए आप चेक कर सकते हैं कि आपके खाते में पैसे आए हैं या नहीं। आपने जिस विकल्प का चुनाव किया है उसका नंबर भरिए। इसके बाद गेट डेटा पर क्लिक करें। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको सभी ट्रांजेक्शन की जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको FTO इज जनरेटेड एंड PTM कन्फर्मेशन इज पेंडिंग लिखा हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपका अमाउंट प्रोसेस में हो रहा है। अगर किसी कारण आपकी 15वीं किस्त अटक जाती है तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, ये भी जान लीजिए। 15वीं किस्त को लेकर अगर आपके कोई सवाल है या फिर पीएम किसान योजना से जुड़ी ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप pmkisan@gov.in पर ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप पीएम किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। मालूम हो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। ये राशि किसानों के खाते में 4 महीने के अंतराल में 3 किस्तों में 2,000 रुपए करके भेजी जाती है। केंद्र सरकार ने 27 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त जारी की थी। योजना के तहत अब तक किसानों के खाते में कुल 14 किस्तों में 2.62 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। 14वीं किस्त के बाद किसान अब 15वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि कल 15वीं किस्त जारी की जा सकती है। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिटेल स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।